हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सो आज की जो हमारी न्यू वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के जुआलॉजी यूनिट सेकेंड की फोर्थ वीडियो। दिस इज आवर लास्ट वीडियो एक्चुअली, जिसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्या, राइबोसोम। इससे पहले हम लोगों ने साइटोस्केलेटन, माइटोकॉन्ड्रिया, परॉक्सीसोम, इन सभी को हलवा क्लियर कर लिया। इनके जो भी सब टॉपिक्स थे, जैसे कि माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर, उसमें ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, देन परॉक्सीसोम्स के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये सब कुछ हलवा क्लियर हो चुका है। आज जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे राइबोसोम के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में। देन हमारा यूनिट टू जो है वो पूरी तरीके से कम्प्लीट हो जाएगा। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स मूव ऑन द वीडियो। देखिए, राइबोसोम की अगर मैं बात करूं तो ये भी एक सेल ऑर्गेनिल है जो कि हमारे सेल में पाया जाता है। अभी तक जैसे आपने बहुत सारे सेल ऑर्गेनिल देखे, इफ आई टॉक अबाउट अ सिंगल सेल, तो इस सेल में आपने देखा कि हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा, हमने साइटोस्केलेटन पूरे फिलामेंट्स के बारे में पढ़ा, देन उसके बाद हमने परॉक्सीसोम्स के बारे में पढ़ा। आगे चल करके हम अभी राइबोसोम पढ़ेंगे, देन आगे चल करके हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। सो ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनल जो हैं वो एक सेल को बनाते हैं। और मैंने बार बार हर एक वीडियो में बताया है कि सेल जो है ये मिलकर के आपको टिश्यू बना करके देगा। टिश्यू जो है वो ऑर्गन, ऑर्गन जो है वो ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, और ऑर्गन सिस्टम जो है ये एक पूरा इंडिविजुअल बना देगा, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि एक सेल जो है ये बेसिकली एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट है ना, सबसे छोटी स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर लाइफ इज सेल। अब सेल के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनेल हैं उनका कार्य जानना हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि पिछली वाली वीडियो में हमने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, तो हमने ये देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसे हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। वैसे ही हमारे राइबोसोम जो है इन्हें हम प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कहते हैं, ठीक है। क्यों प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा होता है। मतलब ये कि यहाँ पर हम प्रोटीन को बना रहे होते हैं। तो जहां पर कोई चीज बनती है ना, तो उस जगह को हम लोग फैक्ट्री का नाम देते हैं। तो जहां पर प्रोटीन बन रहा है हमारे सेल के, एक स्पेसिफिक सेल ऑर्गेनेल जो कि प्रोटीन बना रहा है, उसे ही हम फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन कहेंगे, दैट इज आवर राइबोसोम। ओके, समझ में आया आपको? अब पढ़ते हैं, देखिए। इफ आई टॉक अबाउट द थ्योरी पोर्शन, सो देखिए, राइबोसोम जो है ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर मशीन्स इनको बोला जाता है, जो कि हर एक लिविंग सेल के अंदर पाया जाएगा। और इनका बेसिकली काम क्या होता है? तो ये साइट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब कि ट्रांसलेशन की प्रोसेस कराते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। अब प्रोटीन बनने के लिए क्या चाहिए? जैसे हम कोई चीज बना रहे हैं तो उसके लिए हमें सामग्री चाहिए होती है। तो प्रोटीन हो गया हमारा पॉलीमर, ठीक है, प्रोटीन हो गया पॉलीमर। और पॉलीमर का, जितने भी पॉलीमर्स होते हैं उन सभी का एक मोनोमर होता है। मतलब ये कि कुछ मिले होंगे साथ में तब जा करके एक पॉलीमर बना होगा। छोटी छोटी यूनिट्स मिली होंगी तब जा करके पॉलीमर बना होगा। पॉली मतलब क्या होता है? मोर देन टू, मोर देन थ्री, ठीक है। और मोनो मतलब क्या होता है? मोनो मतलब सिंगल। तो सिंगल, अगर मैं बात करूं कि हमारे प्रोटीन के सिंगल जो एक यूनिट है उसका क्या नाम है, तो उसे हम कहते हैं अमाइनो एसिड। तो बहुत सारे अमाइनो एसिड्स जब मिलते हैं, ठीक है, ये अमाइनो एसिड्स हैं, जब इनकी बाइंडिंग होती है पेप्टाइड बॉन्ड से, तब जाकर के ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो प्रोटीन क्या हुआ? काफी सारे अमाइनो एसिड की एक चेन हो गई। तो अमाइनो एसिड क्या है? ये एक मोनोमर है, लेकिन प्रोटीन जो है ये हमारा पॉलीमर हो गया। किसका पॉलीमर हो गया? अमाइनो एसिड का। अब यू ऑल नो कि वी हैव 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड। कैन यू नेम देम? अगर आपको याद है तो प्लीज आप कॉमेंट सेक्शन में हमें 20 अमाइनो एसिड के नेम जरूर बताइए, ठीक है। चलिए, अब मैंने क्या बोला कि अमाइनो एसिड ही लिंक होते हैं एक साथ टुगेदर एक स्पेसिफिक ऑर्डर में। किसके द्वारा? मैसेंजर आरएनए के द्वारा इन्हें लिंक किया जाता है और ये बना देते हैं प्रोटीन का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर कैसे बने हैं, तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर हमारा जो बना है ना, वो एमआरएनए के द्वारा जो भी अमाइनो एसिड्स हैं उनको सीक्वेंस ऑर्डर में लगाया गया है, लिंक किया गया है। किससे लिंक किया गया है भाई? लिंकिंग की मतलब ये लिंक है क्या?
मान लीजिए हमारे पास दो एमिनो एसिड्स है, तो इनके बीच में ऐसा क्या लिंक बन गया? तो लिंक है ये पेप्टाइड बॉन्ड की। तो पेप्टाइड बॉन्ड से जब दो या दो से अधिक एमिनो एसिड एक साथ मिलकर के चेन का फॉर्मेशन करते हैं तो उसे हम प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट द लोकेशन कि राइबोसोम जो कि इस प्रोटीन का सिंथेसिस करा रहा है, ये है कहाँ, ये कैसा है, कैसा दिखने में है, इन सब की मैं बात करूं तो राइबोसोम जो है ये आपको साइटोप्लाज्म में तैरते हुए नॉर्मली पड़े हुए दिखाई देंगे। ठीक है, जैसे हर एक सेल ऑर्गेनेल दिखाई पड़ रहा है, या फिर ये राइबोसोम आपको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उस पे आपको दिखाई देगा। जब मैंने आपको यूनिट वन में इंडो मैम्ब्रेन सिस्टम पढ़ाया था तो वहां मैंने बताया था कि ईआर के पास दो पार्ट होते हैं, एक होता है एसईआर और एक होता है आरईआर। तो एसईआर जो है ये स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है एंड आरईआर जो है वो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब ये रफ क्यों बना? रफ इस वजह से बना क्योंकि इसके पास आ गए हैं राइबोसोम। ठीक है, इसका मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था कि यू हैव टू रोड्स। ठीक है, ये मान लीजिए कि आपके पास दो रोड हैं। ओके, एक रोड जो है काफी ज्यादा सिंपल है, ठीक है, और एक रोड पे आपको दिखाई देंगे कुछ स्टोन्स। तो आप मुझसे आके बोलोगे कि दीदी एक रोड तो काफी ज्यादा स्मूथ थी, मैं आराम से चला गया, लेकिन जो दूसरी सड़क थी ना, दूसरी रोड थी, उस पे काफी सारे स्टोन्स थे जिसके वजह से ये रोड काफी रफ हो गई थी। तो वैसे ही जो जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम पाया जाएगा वो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है, और जिसपे कुछ भी कोई भी राइबोसोम नहीं पाया जा रहा है वो हमारा एसईआर स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है। अब क्योंकि राइबोसोमल जो हमारा रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उस पे राइबोसोम पाया जा रहा है, तो हमारा आरईआर जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, और हमारा एसईआर जो है वो लिपिड सिंथेसिस के लिए। ठीक है, तो ईआर की बात तो हम बाद में करेंगे ही, बट आपको इतना मैं बताना चाहती हूँ कि राइबोसोम आपको साइटोप्लाज्म में ऐसे ही फ्री फ्लोटिंग वे में तो छोटे छोटे पाए ही आप देखो, मतलब देखोगे कि ये पाए जाएंगे। इसके साथ ही साथ जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उस पे, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे भी आपको ये राइबोसोम्स दिखाई देंगे। ठीक है, तो लोकेशन मैंने आपको दो बताई, इस चीज को याद रखिएगा, टेक द स्क्रीनशॉट। अच्छा, इफ आई टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर, तो देखिए ये रहा हमारा राइबोसोम, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको दिख रहा है, देखो ये इनवेजिनेटेड है, मुड़ा हुआ सब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर आपको ये छोटे छोटे राइबोसोम्स दिखाई दे रहे हैं, दिख रहा है ना, तो यही होता है राइबोसोम। और मान लो कि ये पूरा एक सेल है, ठीक है, और ये बीच में न्यूक्लियस हो गया, और ये यहाँ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये राइबोसोम। अब कुछ एक्स्ट्रा राइबोसोम इस सेल के साइटोप्लाज्म में भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, अब राइबोसोम का मैंने क्या बताया, कार्य क्या है, प्रोटीन का सिंथेसिस कराना। अगर राइबोसोम की मैं बात करूं तो राइबोसोम के स्ट्रक्चर में साइज की सबसे पहले बात करते हैं। राइबोसोम जो है ये दो सब यूनिट से मिलकर के बने होते हैं, एक लार्ज सब यूनिट होती है और एक स्मॉल सब यूनिट होती है। ठीक है, देखिए यूकैरियोट्स में जो हमारा राइबोसोम है उसमें जो स्मॉल राइबोसोम का जो स्मॉल सब यूनिट है उसकी साइज होगी 40s और जो लार्ज वाली होगी उसकी होगी 60s। ठीक है, वहीं प्रोकैरियोट्स में ये साइज बिल्कुल अलग हो जाती है, स्मॉल वाले का 30s हो जाता है और लार्ज वाले का 50s हो जाता है। ठीक है, अब समझिए, मान लीजिए ये हमारे पास एक राइबोसोम, मैंने बोला कि राइबोसोम का स्ट्रक्चर बनाओ, तो राइबोसोम का स्ट्रक्चर आप कुछ इस तरीके से बनाओगे, एक लार्ज सब यूनिट बना दोगे और एक छोटी सी स्मॉल सब यूनिट बना दोगे, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम। ठीक है, अब यही प्रोकैरियोट्स में अगर मैं बात करूं तो प्रोकैरियोट्स में आप देख रहे हो कि इस स्मॉल वाली का साइज कितना है, अभी मैंने आपको पढ़ाया कि इस स्मॉल वाले का साइज कितना है, इस स्मॉल वाले का साइज है 30s। वही हमारा जो लार्ज वाला सब यूनिट है उसकी प्रोकैरियोट्स में साइज कितनी है, 50s, तो इसकी साइज हो गई हमारी 50s। ओके, वहीं अगर मैं बात करूं यूकैरियोट्स की तो ये वाला जो लार्ज वाला है इसका हो जाएगा 60s और स्मॉल वाले का हो जाएगा 40s। आप दोनों को काउंट करोगे ना तो 100s आपको देखने को मिलेगा, बट 100s जैसा कुछ भी नहीं होता है। आप अगर आपसे कोई पूछेगा कि यूकैरियोट्स का, यूकैरियोट्स में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है, तो आप केवल 80s बोलोगे। ठीक है, आप 80s बोलोगे। ओके, क्योंकि जब ये दोनों मिल जाते हैं तो आप ऐसा समझो कि 80s बन जाता है, आप 60 प्लस 40 को जोड़ना मत। ओके, तो 80s हमारा यूकैरियोट्स में पाया जाता है। अब नाउ यू टेल मी कि हमारे प्रोकैरियोट्स में कितने एस वाला राइबोसोम जो है वो पाया जा रहा है। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। अगर मैं कॉम्पोजिशन की बात करूं तो राइबोसोम बने हुए हैं राइबोसोमल आरएनए से, जिसको हम आरआरएनए भी बोलते हैं, और साथ ही साथ ये प्रोटीन से बने हुए हैं। ठीक है, तो राइबोसोमल आरएनए प्लस हमारा प्रोटीन मिलाकर के बनता है हमारा
राइबोसोम, ठीक है। स्मॉल सब यूनिट जो है ये रिस्पॉन्सिबल होती है एमआरएनए की रीडिंग के लिए, और लार्ज सब यूनिट जो है ये रिस्पॉन्सिबल होती है पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए। ये पेप्टाइड बॉन्ड किसके बीच में बनेगा, तो दो हमारे मान लीजिए अमाइनो एसिड्स हैं, तो उनके बीच में जो बॉन्ड बनेगी इसे हम पेप्टाइड बॉन्ड कहेंगे। तो पेप्टाइड बॉन्ड कौन सा यूनिट, सब यूनिट जो है वो रोल प्ले कर रहा है, उसकी हेल्प कर रहा है, तो लार्ज वाला। और स्मॉल का क्या काम है, एमआरएनए की रीडिंग करने की, ठीक है। ये सब आप क्लियर हो जाएगा आपको, अगर आपने ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन वगैरह पढ़ा होगा ना तो आपको ये सब क्लियर होगा, और नहीं पढ़ा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में आप पढ़ोगे। ओके, स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो प्रोकैरियोट्स राइबोसोम 70S के होते हैं, देखिए यहाँ पे बता ही दिया, कंपोज्ड ऑफ 50S लार्ज सब यूनिट एंड 30S स्मॉल सब यूनिट। तो कभी भी जोड़ना मत कि 50 प्लस 30 इज इक्वल टू 80 होता है तो यहाँ पे 70 क्यों लिखा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसके पीछे काफी ज्यादा थ्योरी है बट उसकी मैं बात करना नहीं चाहूंगी क्योंकि अभी आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो। ओके, यूकेरियोट्स राइबोसोम जो है वो 80S उनमें पाया जाता है, जिसमें 60S लार्ज सब यूनिट होती है और स्मॉल सब यूनिट जो है वो 40S की बनी होती है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट के जो राइबोसोम्स होते हैं ये रिजेंबल होते हैं हमारे प्रोकैरियोट्स के राइबोसोम की तरह, जो कि है 70S, सपोर्टिंग द इंडो सिम्बियोटिक थ्योरी, ठीक है। जैसे मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ाया था कि दे जो माइटोकॉन्ड्रिया है उनके पास अपना खुद का एक डीएनए है ना, एंड उनके पास अपना खुद का राइबोसोम भी होता है। सेम फॉर आवर क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के पास भी अपना डीएनए है एंड राइबोसोम है, ठीक है। तो आपके दिमाग में आएगा कि दीदी जो राइबोसोम हमारे माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में वो किसकी तरह दिखाई देता है, क्या वो प्रोकैरियोट्स की तरह होगा या यूकैरियोट्स की तरह होगा, उसकी शेप साइज क्या होगी। तो आपको बस इतना याद रखना है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में राइबोसोम पाया जा रहा है उसकी जो साइज होगी वो हमारे प्रोकैरियोट्स राइबोसोम की तरह होगी, जो कि है 70S। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, फंक्शन की बात करूं तो राइबोसोम का फंक्शन सबसे पहले तो प्रोटीन सिंथेसिस का है, राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री बोली जाती है, प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रहा होता है। एमआरएनए का ट्रांसलेशन जो है ये एमआरएनए को डिकोड करते हैं, अमाइनो एसिड्स को असेंबल करते हैं एंड प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। आपको पता होगा ईपीए करके हमारा एक साइट होता है जहां पर अमाइनो एसिड जो है पूरी तरीके से बाइंडिंग होती है, प्रोटीन का एक फुल स्ट्रक्चर बनता है, तो ये सब ट्रांसलेशन में आप पढ़ोगे। पॉलीपेप्टाइड का इलोंगेशन भी राइबोसोम ही कराता है, राइबोसोम ऐड करता है अमाइनो एसिड जिसकी वजह से प्रोटीन चेन ग्रो करती है और पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर बनता है, फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है, फिर टर्शरी बनता है एंड इस तरीके से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। पेप्टाइड बॉन्ड का भी फॉर्मेशन जो है राइबोसोम ही, राइबोसोम में ही आपको ये देखने को मिलेगा, और राइबोसोम जो है ये बाइंड करता है टीआरएनए के साथ जो कि अमाइनो एसिड से मैच करेगा एमआरएनए कोडॉन को, ठीक है। तो ये सब इनके कार्य हैं। आपको बेसिकली देखो ये जितना भी आपने पढ़ाना एमआरएनए ट्रांसलेशन पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन सब कुछ जो है इसका कंक्लूजन एक ही है कि प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है। ओके, बस इतना ही आपको याद रखना है। दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो, इसमें आपको बहुत कुछ नहीं पढ़ना है। क्वालिटी कंट्रोल में अगर बात करूं तो प्रोटीन को एक्यूरेटली एकदम सही से बनाने का कार्य जो है वो भी हमारा राइबोसोम ही जिम्मेदारी उसकी उठाई रहता है। आरआरएनए प्रोडक्शन जो है राइबोसोम के पास खुद का आरआरएनए होता है। आपको पता है कि राइबोसोम, अभी मैंने पढ़ाया कि आरआरएनए प्रोटीन से मिलकर के बना हुआ है, तो राइबोसोम के पास आरआरएनए है जो कि वाइटल रोल प्ले करता है। तो आरआरएनए का प्रोडक्शन जो है वो हमारा राइबोसोम कराता है। प्रोटीन की फोल्डिंग अच्छे तरीके से हो ये भी असिस्ट करता है राइबोसोम। ईआर के साथ इंटरेक्शन ऑब्वियसली, क्योंकि जो हमारा आरईआर है उस पे राइबोसोम है, तो हमारा जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कहीं ना कहीं राइबोसोम के साथ जो इंटरेक्शन है फॉर द लाइक प्रोटीन सिंथेसिस, ये भी हमारा राइबोसोम ही इनेबल करता है। फिर जीन एक्सप्रेशन रेगुलेशन, ठीक है, राइबोसोम जो है ये कंट्रोल करता है प्रोटीन सिंथेसिस के रेट को, और आपको पता है कि प्रोटीन इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर सेल, अगर प्रोटीन ना हो तो एक बॉडी अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगी। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देखो पूरा कंक्लूजन आपके ना फंक्शन में यही आता है कि राइबोसोम का फंक्शन सिर्फ इतना है कि प्रोटीन का सिंथेसिस करना। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड दैट्स ऑल अबाउट योर यूनिट सेकंड, दैट्स ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो जहां हम बॉटनी की यूनिट सेकंड स्टार्ट करेंगे एंड वी आर डन विद आवर यूनिट 1 एंड यूनिट 2 फ्रॉम योर फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी पार्ट। ओके, तब तक के लिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो अच्छी लगी होगी तो उसे लाइक करिएगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब प्लीज़।